हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्यूबरकुलोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है। सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग के क्लासिफिकेशन और साथ में उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश की थी। और आज जो हम देखने जा रहे हैं इस पार्ट में, हम मेजरली फोकस करने वाले हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे कि अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट भी अभी आप देखोगे अलग अलग टाइप के होते हैं और अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहती हूँ क्योंकि वो ट्रीटमेंट में आपका यूज होने वाला है, दो वर्ड आप बहुत बार यूज होता हुआ आपको दिखेगा। फर्स्ट है आपका स्मेयर पॉजिटिव और दूसरा है स्मेयर नेगेटिव। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब देखो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, कोई भी पेशेंट आ रहा है जिसको लग रहा है आपको कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, सस्पेक्ट है ट्यूबरकुलोसिस का, जब आप क्या करते हो उसका सैंपल्स कलेक्ट करते हो। ऑब्वियसली आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते ना किसी को कि भाई तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस है, आप पहले उससे सैंपल लोगे। सैंपल मैंने बताया था कैसे होते हैं, मोस्टली जो सैंपल यूज होता है आपका स्पूटम यूज करते हैं या फिर बाल यूज होता है, ब्रोंको एल्वियोलर लेवेस, दोनों को मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो अगर आपने सैंपल लिया, ठीक है, और अंडर माइक्रोस्कोपी आप चेक कर रहे हो, अगर आपको क्या हो रहा है जब आपने सैंपल चेक किया और सैंपल चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ इसमें नंबर ऑफ बेसिलाई आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिलाई आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको माइकोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि जो स्मेयर आपने लिया था यानी कि जो सैंपल आपने लिया था वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, अब स्मेयर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये वो सैंपल होंगे, ठीक है, वो सैंपल जिसमें नंबर ऑफ बेसिलाई बहुत कम होंगे, या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत कम होंगे, इसे क्या बोलते हैं, स्मेयर नेगेटिव बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यानी कि अगर बहुत सारे माइकोबैक्टीरिया होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऐसे सैंपल को हम स्मेयर पॉजिटिव बोलते हैं, और ऐसे सैंपल जिसमें आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम है या फिर है ही नहीं उनको क्या बोलते हैं, हम स्मेयर नेगेटिव बोलते हैं। तो ये वर्ड यूज होने वाला है आगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी टीबी का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप पहले डिसाइड करेंगे कि उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी जो हमारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार कैटेगरी आती है और उन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, कोई भी ट्रीटमेंट, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका क्या जाएगा, 12 मंथ तक जा सकता है, ठीक है, देखते हैं। और कुछ सिचुएशन होंगी जिसमें और भी ज्यादा होगा, ये मैं मंथ स्केल बना रही हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, ज्यादा जो होगा वो मैं अलग से आपको बता दूंगी। तो ये मंथ है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने कैटेगरी डिसाइड करनी है, ठीक है, जो आपके पास पेशेंट आया है वो किस कैटेगरी का है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है कैटेगरी वन। तो आप देखते हैं कैटेगरी वन में आप कौन से पेशेंट आते हैं। आपके जो कैटेगरी नंबर वन है इसमें जो पेशेंट होंगे वो कौन से होंगे, सबसे पहली बात, कैटेगरी वन में हमेशा नए केसेस आते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था कि टीबी कैसी होती है, अगर मान लो किसी का ट्यूबरकुलोसिस का एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो हो सकता है आफ्टर सम टाइम दोबारा से टीबी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं या फिर यूजुअली भी आपके कुछ जो माइकोबैक्टीरिया है वो डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं, यानी कि स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं, जो कभी भी आगे चल के एक्टिव हो सकते हैं और आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं ना। तो कैटेगरी वन में कौन से आते हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना इसमें नए केसेस होंगे, कोई पुराना केस नहीं होगा, नया फ्रेश केस होगा। अब न्यू केसेस किसके होंगे पहले देख लेते हैं, ठीक है, न्यू केसेस रहेंगे तो कौन से नए केसेस होंगे। सबसे पहली बात, एक तो आपका आएगा स्मेयर पॉजिटिव केस, ऐसे पेशेंट इस कैटेगरी में डाले जाएंगे जो नए हैं और जिनका स्मेयर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी कि उनका जो सैंपल लिया था उसमें बहुत सारे बेसिलाई आपको देखने को मिले हैं। सेकेंड आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मैंने पहले ही बताया था टीबी दो टाइप की हो सकती है,
एक तो पल्मोनरी यानी कि जो लंग में हो रही है टीबी, और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी अदर देन लंग्स, आपके बोन जॉइंट्स में अगर हो रही है तो वो क्या है आपकी, सॉरी एक्स लिखा हुआ है ना, मैंने एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये वाला केस यानी कि अगर किसी पर्सन, ये भी नया ही केस होगा, ठीक है, कैटेगरी वन में सारे नए केस आएंगे, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का अगर कोई केस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा नया केस स्मेयर नेगेटिव का, ठीक है, स्मेयर नेगेटिव वाले का भी अगर कोई नया केस आया है, यानी कि जिसके स्पूटम में, जिसके सैंपल में जो नंबर ऑफ बेसिलाई बहुत कम आए हैं, बट एक कंडीशन है, स्मेयर नेगेटिव है लेकिन इसमें क्या है, विद एक्सटेंसिव पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट। अब ये क्या है पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट, क्या होता है पेरेन्काइमा, किसको बोलते हैं बेटा, किसी भी अगर सिस्टम में, किसी भी स्ट्रक्चर में पेरेन्काइमा मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, तो पेरेन्काइमा बेसिकली उस ऑर्गन की फंक्शनल पार्ट को बोलते हैं। अगर मैं लंग्स की बात कर रही हूँ तो लंग्स में फंक्शनल पार्ट कौन सा है, एल्वियोलाई, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है एल्वियोलाई की। तो यानी कि है तो स्मेयर नेगेटिव, यानी कि इस इंसान के जो भी पर्सन है उसका जो सैंपल आपने कलेक्ट किया था उसमें नंबर ऑफ बेसिलाई तो बहुत कम थे, लेकिन जो आपका पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट था, यानी कि जो एल्वियोलाई में जो पूरा इन्फेक्शन हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एल्वियोलाई का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो उस केस में, तो ये हमारे तीन केसेस बनते हैं ऐसे केस। अगर ऐसा कोई भी केस आपके पास आ रहा है नया केस, तो उसे आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, कैटेगरी वन में, ठीक है। अब कैटेगरी वन में आने वाले जो पेशेंट होंगे उनका ट्रीटमेंट क्या होगा इसे समझते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वन में आने वाले पेशेंट, समझ गए कौन कौन से पेशेंट होते हैं कैटेगरी वन में। तो कैटेगरी वन में आने वाले पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर टू मंथ कैटेगरी वन में आपके जितने भी पेशेंट आएंगे इनको आपने क्या करना है, दो महीने के लिए आप कौन सी मेडिसिन देंगे, आइसोनियाजिड, ठीक है, आइसोनियाजिड देनी है, और कौन सी देनी है, अच्छा आइसोनियाजिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था पहले पार्ट में आपको एच, ठीक है, आइसोनियाजिड, आर क्या है, रिफैम्पीन, जेड क्या है आपका पायराजिनामाइड, और ई क्या है आपका इथैम्ब्यूटॉल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैटेगरी वन में आने वाले पेशेंट्स को, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें आप पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो महीने के लिए ये चार ड्रग देंगे, ठीक है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पीन, पायराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो फिर आप क्या करेंगे, इसकी डोजेस पता होनी चाहिए। आइसोनियाजिड अगर मैं ना, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ये आप हर डेली बेसिस पे भी दे सकते हो और थ्राइस वीकली भी दे सकते हो, यानी कि वीक में तीन बार भी, तो अकॉर्डिंगली डोज चेंज हो जाएगी। मैं पर डे की आपको डोज बता देती हूँ। तो जो एच है आपका, ठीक है, ये यानी कि जो आपका आइसोनियाजिड है ये कितना होता है आपका, 5 mg/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है, ये किसकी डोज है आपकी, आइसोनियाजिड की। अगर रिफैम्पीन की बात करें तो रिफैम्पीन दी जाती है आपकी 10 mg/kg के हिसाब से, डोज पता होनी चाहिए, ठीक है। पायराजिनामाइड कितनी दी जाती है आपकी, लगभग आप दे सकते हैं इसे 25 mg/kg, और जो ये है आपकी इथैम्ब्यूटॉल ये दी जाती है 15 mg/kg। ये डोजिंग है, डोजिंग आपको पता होनी चाहिए कि कितना एम जी क्या दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डोज है। तो ये चारों ड्रग आपने क्या करनी है, स्टार्टिंग के दो महीने के लिए आप ये चार ड्रग देंगे, उसके बाद क्या करोगे, दो महीने हो गए, अब दो महीने के बाद क्या करना है, ये सारी ड्रग नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो दो महीने का पीरियड होगा इसमें मैक्सिमम जो आपके बेसिलाइज हैं वो किल हो चुके होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। अब जो रिमेनिंग है उन्हें खत्म करने के लिए हमें इतनी ड्रग्स की जरूरत नहीं है, और हमें पहले भी पता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं इनमें रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना आपका कोई भी मतलब बेनिफिशियल नहीं है इसका, तो यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब रिमेनिंग जो आपके बचे हुए चार महीने हैं, 3 to 6, ठीक है, जो रिमेनिंग मंथ हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक 6 month की बात कर रही हूं मैं, यहां से मैं लगा देती हूँ एरो, ठीक है। अब इतने बचे हुए टाइम के लिए आपने क्या करना है,
केवल आपने आइसोनियाजिड और रिफैम्पीन को देना है फॉर 4 मंथ, ठीक है, 4 महीनों के लिए। 2 महीने स्टार्टिंग में आपने चारों ड्रग दी कॉम्बिनेशन में, बाकी के बचे हुए जो महीने आपके 4 महीने बच रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 महीनों में क्या किया, चारों ड्रग दी कॉम्बिनेशन में, बाकी के जो 4 महीने हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या देना है, केवल एच और आर, यानी कि आइसोनियाजिड और रिफैम्पीन सेम डोज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैटेगरी 1 के पेशेंट का ट्रीटमेंट है, कि जो कैटेगरी 1 में जो पेशेंट आते हैं उन्हें आप कैसे ट्रीट करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी की चीजें मॉनिटरिंग वगैरह वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पहले हम सारी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी कवर हो गई, कैटेगरी 1, और उसके ट्रीटमेंट को हमने समझ लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कि जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था जो हम ज्यादातर यूज करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स को यूज करते हैं, जिसमें आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन आता है, पाइरोजिनामाइड, एथाम्बिटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, और अगर इनकी रेजिस्टेंस होती है तब हम सेकेंड लाइन ड्रग में जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने जो ड्रग बताई वो फर्स्ट लाइन की थी, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये लेक्चर पहले का कॉन्टिन्यूएशन है, तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा, फिर यहां पे आइएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 2। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, ठीक है। कैटेगरी 2 में कौन से पर्सन आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो जो आपकी सेकंड कैटेगरी है उसमें सबसे पहले तो कौन से केस आएंगे, रिलैप्स वाले केस आएंगे। रिलैप्स वाले केस सब समझते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, ठीक है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन दोबारा से टीबी हो गया, ठीक। नेक्स्ट कौन से वाले आएंगे इसमें, इंटरप्टेड केसेस। अगर इंटरप्टेड मींस ऐसे लोग जिनका ट्रीटमेंट बीच में ही आपका इंटरप्ट हो गया, यानी कि किसी भी वजह से उनकी मेडिसिन छूट गई लेना, उन्होंने बीच में छोड़ दिया, तो ऐसे केस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि पहले तो क्या थे आपके, स्मियर नेगेटिव थे, ठीक है, प्रीवियसली क्या थे, स्मेयर नेगेटिव थे, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट जब आपने ट्रीटमेंट दिया तो वो क्या हो गए, आफ्टर ट्रीटमेंट, और आप बोल सकते हो आफ्टर 1 or 2 months ऑफ ट्रीटमेंट। पूरा ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ऐसे लोगों का, पहला वाली कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट था, लेकिन देखा क्या कि 1 से 2 महीने बाद जब आपने स्मेयर दोबारा से चेक किया, क्योंकि एक खासियत बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ट्यूबरक्लोसिस का इलाज होता है तो हर महीने हमारा सैंपल चेक होता है, चेक करने के लिए कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें हुआ क्या, पहले तो पेशेंट स्मेयर नेगेटिव था, लेकिन 1 से 2 महीना हुआ नहीं ट्रीटमेंट का, और पेशेंट किसमें बदल गया, आपका स्मेयर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऐसे पर्सन ये सारे किसमें आते हैं, कैटेगरी नंबर 2 में। कौन कौन से, रिलैप्स वाले, यानी कि जिनका पहले ट्रीटमेंट हो चुका था लेकिन दोबारा से डीबी हो गया है। इंटरप्टेड, जिनका किसी वजह से, ऐसे पेशेंट जिनका किसी वजह से दवाइयां छूट गई थी, इलाज बीच में रह गया था। और ऐसे पर्सन जो कि स्मेयर नेगेटिव थे, कैटेगरी 1 में थे, लेकिन हुआ क्या, 1 से 2 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो स्मेयर पॉजिटिव हो गए, तो उन्हें हम कैटेगरी 2 में ही इंक्लूड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अब हम देखते हैं कि कैटेगरी 2 में आने वाले पेशेंट्स का हम इलाज कैसे करते हैं। तो इसका इलाज करने के लिए सबसे पहले वही बात आ जाएगी कि आपका क्या करते हैं हम, जो स्टार्टिंग के 2 महीने हैं, ठीक है, थीके? तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बता रहा है कि हम 2 महीने की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 2 महीने हम क्या करते हैं, हम HRZE इसके साथ साथ S भी दे देते हैं। एक्स्ट्रा हमने क्या किया, देखो एक्स्ट्रा क्या किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड कर दिया, ठीक है, ये किया। और उसके बाद स्टार्टिंग के 2 महीने आपने ये किया, उसके बाद जो 3rd महीना था, ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि 1 महीने के लिए आपने क्या किया, केवल HRZE दिया। ये ट्रीटमेंट बदलने वाला है, देखो पहला वाला ट्रीटमेंट 6 महीने का था ना, ये ट्रीटमेंट देखोगे आप 8 महीने का होगा, देखें कैसे होगा। तो स्टार्टिंग के 2 महीने, ये आगे जो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, वैल्यू हैं, ये आपका मंथ को बता रहे हैं कि कितने महीने के लिए। शुरुआत के 2 महीने के लिए हमने ये 5 ड्रग कॉम्बिनेशन में दी, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद जो 3rd महीना था, यानी कि जो 2 के बाद जो 1 महीना रहेगा, उसमें हमने क्या दिया है, HRZE दिया, यानी कि वही जो हम पहले दिया करते थे 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, रिमेनिंग जो 5 मंथ पीरियड है, ठीक है, 5 महीने के लिए, इसके बाद के 3 महीने यहाँ कवर हो गए, ठीक है, तो 5 महीने जो बचे हुए हैं उनमें हमने क्या देना है,
H R तो दोगे ही दोगे, साथ में E भी देना है, इथेम्ब्यूटॉल भी ऐड करना है। अभी आपने क्या देखा था, जो कॉन्टिन्यूएशन फेज होती है, देखो जब भी टीबी का इलाज होता है तो दो फेजेस होती हैं, एक होती है इनिशियल फेज, एक होती है कॉन्टिन्यूएशन फेज। इनिशियल फेज किसी किसी केस में 2 महीने की होती है, कभी 3 महीने की भी होती है, जैसे इन दिस केस 3 महीने की है। देखो स्टार्टिंग में 2 महीने के लिए 5 ड्रग, फिर 1 महीने के लिए 4 ड्रग, ये इनिशियल फेज है। ठीक है, पहले वाले केस में आपने देखा था इनिशियल फेज कितने महीने की थी, केवल 2 महीने की थी। अब इस केस में देखिए जो कॉन्टिन्यूएशन फेज है, यानी कि जो इसके बाद का जो 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, इन दिस केस 3 ड्रग का यूज हो रहा है। पहले वाले केस में 4 महीने की थी कॉन्टिन्यूएशन फेज, है ना, 4 महीने के लिए आप HR दे रहे थे, लेकिन इस वाले केस में आप 5 महीने के लिए HRE देंगे, यानी कि आपने कॉन्टिन्यूएशन फेज में भी एक नई ड्रग को, एक अलग ड्रग को ऐड कर दिया जिसका नाम है इथेम्ब्यूटॉल। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि ये इलाज है आपका कैटेगरी 2 के पेशेंट का। अगर आपके पास कैटेगरी 2 के पेशेंट आते हैं तो आप उनको ऐसे ट्रीट करेंगे। टोटल मंथ ऑफ ट्रीटमेंट कितना होगा आपका, 2, 2 महीने के लिए 5 ड्रग, फिर उसके आगे आने वाले 1 महीने के लिए 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन, आगे आने वाले 5 महीने के लिए 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन। क्लियर है। चलिए, डोज वही रहेंगी, डेली डोज मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कैटेगरी नंबर 3। आप देखते हैं तीसरी कैटेगरी में पेशेंट कौन से आते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 में जो आपके पेशेंट आएंगे वो कैसे होंगे आपके, सबसे पहली बात ये न्यू केसेस हैं, लाइक फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में भी हमने बोला था नए केसेस हैं। अब आप बोलेंगे देखो क्या है, न्यू स्मियर नेगेटिव पेशेंट। अब आप बोलेंगे कि मैम स्मेयर नेगेटिव के नए केसेस तो कैटेगरी 1 में आते थे, लेकिन वहां मैंने क्या लिखाया था कि स्मेयर नेगेटिव के वो केस जिसमें बहुत ज्यादा आपका पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एल्विलाई में बहुत ज्यादा आपका लीजन्स बन चुके हैं या फिर ग्रेन्युलोमास फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, थीके? अब यहां पे कौन से केसेस आते हैं, न्यू स्मेयर नेगेटिव के केसेस विद मिनिमम पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट। ऐसे केसेस आएंगे जिसमें आप एक्सरे में चेक करोगे तो आपके एल्विलाई में आपको बहुत कम आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, जो एल्विलाई सरफेस में जो आपको लीजन या ग्रेनुलोमास हैं वो बहुत कम दिखाई देंगे। ठीक हो गया, तो ऐसे केस यानी कि ये वो केसेस होंगे जो ज्यादा सीवियर नहीं है। ठीक है, और दूसरा कौन से केस आएंगे इसके अलावा, लेस सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, जो ज्यादा सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस थे वो कहाँ आते हैं, कैटेगरी 1 में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लेस सीवियर केसेस हैं आपके, चाहे वो स्मेयर नेगेटिव वाले पेशेंट के हों या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के, वो कौन सी कैटेगरी में आप डालते हैं, कैटेगरी नंबर 3। अब बात करते हैं कि भाई इसका इलाज कैसे करेंगे। कैटेगरी 3 में जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं इनका इलाज हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, इसमें भी आपका क्या होता है, ओवरऑल वही रहेगा ट्रीटमेंट, 6 महीने का ट्रीटमेंट रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 मंथ के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 महीने के लिए मैं आगे लिख भी देती हूँ, फॉर स्टार्टिंग 2 मंथ, यानी कि 2 लिखा है तो यानी कि 2 महीने की बात हो रही है स्टार्टिंग के, हम क्या देते हैं यहाँ पे, HRZ, ये 3 ड्रग देते हैं। इथेम्ब्यूटॉल को हमने यहाँ से लिस्ट से हटा दिया क्योंकि ये क्या है आपका, लेस सीवियर केस है, इसमें हमें 4 ड्रग 5 ड्रग कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, केवल 3 ड्रग ही दी जाती है कॉम्बिनेशन में। H मतलब आइसोनियाज़िड, R रिफैम्पीन और Z क्या है, पायराज़िनामाइड। ये 3 ड्रग आपको देनी है फॉर स्टार्टिंग 2 मंथ। ठीक हो गया, अब बचे हुए जो 4 महीने हैं आपके उसमें सेम वही करोगे जो फर्स्ट कैटेगरी में करते थे, फॉर 4 मंथ आपको क्या देना है, HR, यानी कि आइसोनियाज़िड एंड रिफैम्पीन। तो पहले वाले केस कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में क्या अंतर है, केवल आपने क्या किया है, जो हमारी इनिशियल फेज होती है यानी कि स्टार्टिंग के 2 महीने का टाइम होता है, उसमें से हमने 1 ड्रग को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, कौन सी, इथेम्ब्यूटॉल, और बाकी सारी चीजें सेम रही, सेम इलाज चलेगा 6 महीने के लिए, सेम वही ड्रग यूज होने वाली है, बस आपने इनिशियल जो 2 महीने की फेज होती है, इनिशियल फेज, उससे 1 ड्रग को क्या किया है, रिमूव किया है। तो ये है इलाज
कैटेगरी थर्ड में आने वाले पेशेंट का, यानी कि वो पेशेंट जो कि कम सीवियरिटी के हैं, जिनमें आपका स्मेयर नेगेटिव आता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कैटेगरी फोर की। चलिए कैटेगरी फोर में कौन आता है इसे समझते हैं। देखो कैटेगरी फोर जो होती है आपकी एमडीआर की कैटेगरी होती है। एमडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये वो पेशेंट होंगे जिनमें रेजिस्टेंस आ चुकी है बहुत सारी ड्रग के अगेंस्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आ गई तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग आप दे रहे हो लेकिन वो उस इंसान पे असर ही नहीं दिखा रही है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है उसे हम देख लेते हैं। तो देखो दो केसेस यहाँ पे बनते हैं जो मेनली जहां रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। वैसे तो रेजिस्टेंस लंबे टाइम के लिए आप यूज करोगे तो सारी ड्रग्स में टेंडेंसी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रेजिस्टेंस की, लेकिन यहाँ पे दो केसेस हमारे बनते हैं तो वही मैं बता दूं आपको। सबसे पहला केस है आपका INH रेजिस्टेंट, यानी कि किसके लिए रेजिस्टेंस हो गई है, एच के लिए, जो पहली ड्रग है आइसोनियाज़िड, आइसोनियाज़िड जो कि फर्स्ट ड्रग है उसके लिए अगर रेजिस्टेंस हो गई है, यानी कि वो देने का कोई फायदा ही नहीं है। और आप जानते हो कि जो आइसोनियाज़िड है यानी कि एच कितनी इंपॉर्टेंट है, वो इनिशियल फेज में भी यूज होती है, कॉन्टिन्यूस फेज में भी यूज होती है, यानी कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड यूज हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। आप क्या कर रहे थे अभी तक, इनिशियल टू मंथ के लिए हम चार ड्रग कॉम्बिनेशन में दे रहे थे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। सेकंड केस में, सेकंड कैटेगरी में ऑब्वियसली हमने पांच दी थी, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब एच तो सब में थी ना, तो एच सब में थी, आइसोनियाज़िड थी, तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम एच को हटा देते हैं, बाकी सारे ड्रग को आप यूज कर लीजिए, यानी कि जो आर है रिफैम्पिसिन है, पाइराज़िनामाइड जेड हो गया और इथैम्बिटोल, आर जेड ई को आप दे दीजिए 2 महीने के लिए, ठीक है। आप क्या करिए, 2 महीने के लिए स्टार्टिंग जो आपका पीरियड रहेगा उसमें आपने दो क्या करना, चलिए आर ये अच्छा रेजिस्टेंस का केस दे रहे हैं सॉरी, तो इसमें आप क्या कर दीजिए पूरे 12 मंथ के लिए, इसमें कोई इनिशियल फेज या फिर कॉन्टिन्यूस फेज नहीं रखनी है, पूरे थ्रू आउट 12 मंथ पीरियड, ये 12 डिनोट कर रहा है कि मैं 12 महीने की बात कर रही हूँ, तो पूरे 12 महीने के लिए आप कौन सी ड्रग दीजिए, ये 3 ड्रग दे दीजिए। समझ में आया, अगर इंसान क्या है आपका आइसोनियाज़िड के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है। दूसरा केस क्या बनता है कि भाई INH और रिफैम्पिन दोनों के लिए ही रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अब क्या करें, अब क्या करोगे, यानी कि एच और आर दोनों के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तब आपने क्या करना है, तब आप क्या करोगे, वही काम आपने करना है, आप दोनों को रेजिमेंट से हटा दीजिए, बचा कौन, केवल जेड और ई, पाइराज़िनामाइड और थैम्बिट्रॉल बच जाएगा। इसके साथ आप क्या करो, कोई भी सेकेंड लाइन ड्रग दे दो। मैंने बताया था आपको प्रीवियस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, मैंने बोला था कि हम फर्स्ट लाइन ड्रग को यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के केस में सेकेंड लाइन ड्रग आती है, तो वो यही केस है। जब आपको पता चल गया कि भाई एच और आर दोनों के लिए रेजिस्टेंस आ गई है और केवल हमारी 2 ड्रग है इस क्लास की, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में हम क्या करते हैं, इट्स बेटर कि हम जेड और ई के साथ सेकेंड लाइन ड्रग को यूज करें। सेकेंड लाइन ड्रग में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन सी आती है आपकी, एमिकासीन है, कैनामाइसिन है, आपका साइक्लोसिरीन है, बहुत सारी ड्रग हैं, थायोएसिटाजोन, एथियोनामाइड, ये इतनी सारी सेकेंड लाइन ड्रग है जो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो आई होप रेजिस्टेंस के केसेस समझ में आ गए होंगे। इसमें आपका क्या है, आपका 12 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा इन बोथ केसेस, और 12 महीने फर्स्ट केस में अगर एक ही के लिए रेजिस्टेंस आ रही है तो 3 ड्रग से काम चल जाएगा पूरे थ्रू आउट 12 मंथ, लेकिन अगर दोनों की रेजिस्टेंस आ गई है मेन ड्रग की तो उस केस में आप रिमेनिंग 2 ड्रग के साथ सेकेंड लाइन ड्रग आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बनते हैं आपकी 4 कैटेगरी, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप कैसे कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, कैटेगरी 1 वाले को क्या देना है, कैटेगरी 2 वाले को क्या देना है, कितने महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है, एमडीआर के पेशेंट को क्या दोगे, तो ये आपकी क्या है कैटेगरीज हैं। तो ट्रीटमेंट आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ये आती है
कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट के दौरान किसी मॉनिटरिंग की जरूरत है, या फिर पेशेंट को दवाई देते रहिए पूरे 6 महीने तक और बाद में देखना कि आपका, आपने सैंपल लिया और देखा कि हाँ आपका रिजल्ट आया या नहीं आया। नहीं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब भी हमारा ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है, ये हमारी थेरेपी यूज होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, थ्रू आउट द पीरियड मॉनिटरिंग जरूरी है। ठीक है, अब इस मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, सबसे पहली बात, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ, मॉनिटरिंग जरूरी है। तो हर महीने जब भी किसी पेशेंट को आपने, ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपने उसका सैंपल कलेक्ट किया होगा, चेक किया होगा कि माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई कितने हैं या नहीं है, उसके हिसाब से आपने उसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हर महीने, हर गुजरते महीने आपने उसका क्या करना है, सैंपल लेना है और बेसिलाई लोड चेक करना है। ठीक है, बेसिलाई लोड चेक करना मतलब आपने देखना है कि भाई उसमें बेसिलाई कितने हैं, कितना असर हुआ है। तो क्या हमारा जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मान लो आपने पहले महीने किया, ठीक है, सेकेंड मंथ आपने किया, 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद क्या होना चाहिए, 80% जो केस हैं आपके वो क्या हो जाने चाहिए, आपके लोड, बैक्टीरियल लोड फ्री हो जाने चाहिए। ठीक, समझ रहे हैं, 100% की बात नहीं कर रही हूँ, सपोज मेरे पास अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से 80% पेशेंट ऐसे होने चाहिए जिनका रिपोर्ट यहाँ पे क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, स्मेयर नेगेटिव आ जाए, यानी कि उनका जो सैंपल लिया गया है उसमें कोई बेसिलाई नहीं है, सारे बेसिलाई खत्म हो गए। ठीक है, और 3 महीने बाद अगर आप पेशेंट्स में 3 महीने बाद चेक कर रहे हो तो 100% आपका क्या हो जाना चाहिए, 100% जो केसेस हैं वो क्या होने चाहिए, बेसिलाई फ्री हो जाने चाहिए। यानी कि आप ट्रीटमेंट की इफिकेसी को समझ पा रहे हैं, 2 महीने में आप 20% हो सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हों जिनमें अभी भी आपको बेसिलाई लोड दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने सैंपल लिया तो उसमें आपको माइकोबैक्टीरियम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर 3 महीने इलाज के हो चुके हैं तो उसके बाद 100% आपका क्या होना चाहिए, बेसिलाई हट जानी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये हमारी गाइडलाइन बोलती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है, एक केस ये भी बनता है कि हमारा जो बेसिलाइज है वो परसिस्टेंट है, यानी कि अभी भी है, आपने 2 महीने इलाज को हो गए, 3 महीने इलाज को हो गए, लेकिन अभी भी बेसिलाई दिखाई दे रहा है, तो वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो 2 केसेस को डिनोट कर रहा है। जब परसिस्टेंसी आपको दिखेगी तो आप समझ जाइए या तो क्या है आपका, रेजिस्टेंस के केसेस हैं, यानी कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो वो असर दिखाई नहीं रही है, वो माइकोबैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं उनके अगेंस्ट, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि कंप्लायंस की प्रॉब्लम है, जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं वो आपके ट्रीटमेंट से अडहेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कंप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि आज आपको इतनी मेडिसिन लेनी है, 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, तो वो ड्रग ले ही नहीं रहे हैं किसी भी वजह से। हो सकता है कि उन्हें डेली डोजिंग में दिक्कत आ रही है कि रोज इतनी सारी दवाइयाँ खाना प्रॉब्लमेटिक उन्हें फील हो रहा है, या फिर हो सकता है कि एल्डरली पीपल में हो सकता है जो आपका एज के साथ साथ क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, भूल जा रहे हैं वो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये आपका क्या है, 2 केसेस हैं, यानी कि अगर परसिस्टेंसी आपको दिख रही है, इलाज के बाद भी आपको असर नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि पहला तो रेजिस्टेंस का केस हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, अगर रेजिस्टेंस है तो हमने अभी देखा कि रेजिस्टेंस के केसेस में हम क्या ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक करोगे, रेजिस्टेंस को चेक करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, एक बार आप क्या करो, एक ड्रग को डाल के देखो, कॉम्बिनेशन से हटा के देखो, फिर रिजल्ट देखो, आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया। सपोज पहले आपने आइसोनियाजिड को हटाया, ठीक है, और फिर देखा कि क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने आइसोनियाजिड को रहने दिया और रिफैम्पीन को हटाया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बना के, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चेक करते हैं कि ये पर्सन किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है। तो वो हम कभी और देखेंगे, रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका, बट यही तरीका होता है जो थोड़ा बहुत आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस बनता है कंप्लायंस का। अगर आपको पता लगा कि हाँ पेशेंट कंप्लाई नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, सारी दवाइयाँ अच्छा इफेक्ट दिखा रही हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर वो डेली डोजिंग से उसे दिक्कत आ रही है तो थ्राइस वीकली वाला आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें हफ्ते में 3 बार लेनी पड़ती है मेडिसिन। ऑब्वियसली 3 बार लोगे और डेली लोगे तो उसमें डोजिंग का डिफरेंस तो आएगा ही, 3 बार लेने में आपको ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी, लेकिन डेली लेने के झंझट से आप छुटकारा मिल जाएगा।
सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं, जो कि डॉट्स थेरेपी में चलता है, जो कि डॉट्स थेरेपी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस की, वो क्या होती है, दवाइयां यही दी जाती है लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे देता है, ठीक है। डॉट्स थेरेपी की खासियत ये होती है कि आपको दवाई देनी दी जाती है कि आपको खुद लेनी है, वो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी आपके घर आके आपको देखे जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप डॉट्स थेरेपी को यूज कर सकते हैं, तो इससे आपकी कंप्लायंस, जो आपका आपको नॉन कंप्लायंस फील हो रही थी, वो कंप्लायंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मॉनिटरिंग आपको पता होना चाहिए कैसे की जाती है, तो ये केसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग के केस में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, ड्रग टॉक्सिसिटी का, बिकॉज मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि ड्रग्स का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जितनी भी ड्रग्स थी सबके एडवर्स इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे। तो मेजरली मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है मोस्टली सबके साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे एथाम्बिट्रोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनके साथ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं ये ड्रग किसी लीवर फेलियर वाले पेशेंट को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपको पता है ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, तो किसी किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप ये नहीं देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के, तो आप इनको भी क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। इसीलिए मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये देखे जाएंगे ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि अगर दवाई थोड़ा भी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो शायद उस चीज को रोका जा सके। मेडिसिन को हम अपने जो गाइडलाइन का जो दिया हुआ है, हम एक मेडिसिन को हटा भी सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, मैं पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फ्रॉम स्टार्टिंग पैथोजेनेसिस हमने देखी, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका एडवर्स रिएक्शन, और आज जो हमने देखा वो है हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइन, जो कि हमारी रिवाइज गाइडलाइंस है, जिसके अकॉर्डिंग हम कैसे अलग पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और फाइनली हमने मॉनिटरिंग के पैरामीटर भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच।